हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, नया चैप्टर है। अब आपको इसको पढ़ना है। थोड़ा सा आपको मैं याद दिलाता हूँ, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था क्लास 11th में, लेकिन ध्यान रखिएगा वो स्ट्रेट लाइन इन टू डायमेंशन था। यहाँ पे स्पेस है, स्पेस मतलब क्या हो गया, थ्री डायमेंशन में लाइन चल रहा है। थ्री डायमेंशन समझ में आ रही है। जैसे मान लो मैं ये बोर्ड बोल रहा हूँ, ये बोर्ड पे ये लाइन बनाया मैंने, ये टू डायमेंशन हो गया। लेकिन सोचो कि ये लाइन ऐसे हो बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, पता नहीं आपको कैमरा पे दिख पा रहा है कि नहीं। मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन से ऐसे, मतलब 3D हो गया, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और आपकी तरफ जाना भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3D हो गया, मतलब स्पेस की बात चल रही है। अब स्पेस की बात चल रही है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो थ्योरम यहां पे पढ़ेंगे ना, थ्योरम जो है वो क्या बोलता है कि अगर एक लाइन है जो कि क्या हो रहा है कि ए कोऑर्डिनेट से गुजर रहा है और इसका पोजीशन वेक्टर, कोऑर्डिनेट को हम लोग यहां पे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, वो कितना है, ए वेक्टर। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, ए वेक्टर। एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन जिसको हम क्या बोलेंगे, बी वेक्टर। ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन ए से गुजर रहा है और ये पैरेलल है किसके, बी के। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो हम लोग को लिखना है। समझ में आ रही है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि अलाइन पासेज थ्रू पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू बी वेक्टर इज क्या होता है, तो हम बोलते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं आर वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। क्या बोलते हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या आ गया, अपने पास थ्योरम है। थ्योरम हम लोग को ये बताता है कि आप इस वेक्टर को बता सकते हैं इन दोनों को यूज करके। अब है कि इसका प्रूफ क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं यहां पे प्रूफ पार्ट। ठीक है, प्रूफ पार्ट पे आते हैं। देखिए, प्रूफ पार्ट में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि मान लीजिए ये लाइन ये है, ये रिक्वायर्ड लाइन है जो कहां से गुजर रहा है, ए वैक्टर से, और दिस इज पैरल टू बी वैक्टर। ठीक है, बी वैक्टर, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, तो एक काम कर लीजिए, आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि इसका ओरिजिन के साथ, देखो ये 3D में है तो ओरिजिन के साथ अगर हम खींचे तो ये क्या बन गया, एक लाइन वेक्टर बन गया, और इस लाइन वेक्टर का क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये लाइन वेक्टर ए वेक्टर कहलाएगा। अच्छा ठीक है, आपने बोला कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए है। तो आपने बोला कि ये लाइन हम बनाएंगे और ये लाइन को हम क्या बोलेंगे कि भैया ये ए से गुजर रहा है, मतलब क्या हो गया, ओरिजिन के साथ ये लाइन क्या है, तो हम बोलेंगे दिस इज ए वेक्टर। अच्छा, आप बोल रहे हो कि मान लीजिए ये यहां से गुजर रहा होगा, ठीक है, ये लाइन, और इसको मैं बोल देता हूं कैपिटल ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और बेटा इसके पैरेलल एक लाइन है, क्या नाम है इसका, ये है बी वेक्टर। इस लाइन के पैरेलल में कौन है, बी वेक्टर। ठीक है, तो आपने बोला कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आप बोलोगे आर वेक्टर। तो हम बोलेंगे ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आर वेक्टर। ये क्या कहलाएगा, लाइन आर वेक्टर। तो अब आप क्या बोल सकते हो, अब आप बोल सकते हो कि अगर मैं बोलूं कि हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर, ट्राइंगल लॉ यूज कर रहा हूं, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ पढ़ा है ना आपने, क्या हो गया, दोनों को हमने सेम ऑर्डर में लिया, देखो ये और ये सेम ऑर्डर हो गया, और इसका रिजल्टेंट कौन होगा, इज इक्वल टू आर वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में, नहीं है दिक्कत। अब मुझे बताइए कि अगर आपको ये दोनों पैरेलल हैं तो मैं बोलूं कि इसमें एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, ये जो ए बी है, ए बी को आप क्या लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू, आपने क्या बोला, ए वेक्टर प्लस क्या, तो हम बोलेंगे ये जो ए बी है, ए बी और ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम लैम्डा इंटू बी वैक्टर लिख सकते हैं। आपको पता है ना, दो चीजें अगर पैरेलल हैं, अगर ये बी वैक्टर है तो हम इसको क्या बोल लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट इंटू बी वैक्टर। ये कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे, लैम्डा। ओके, क्या आपको यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था, हाँ यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो क्या हो गया, ये इसका प्रूफ पार्ट हो गया, क्या यूज किया हमने, हम बोलेंगे यूजिंग वेक्टर या यूजिंग वेक्टर एडिशन लॉ
वेक्टर एडिशन लॉ को यूज करने से आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। अब आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है, हम लोग इसको यूज करेंगे। पहले कॉपी कर लीजिए इसको। अब देखो थ्योरम टू हम लोग को क्या बोलता है, दोनों को पढ़ लेते हैं फिर यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है और ये लाइन पैरेलल है। क्या बोला है हमने कि एक पॉइंट है जहां से एक लाइन गुजर रही है, ये आर वैक्टर है, हम बोलेंगे दिस इज पोजिशन वैक्टर, ए वैक्टर है ये, और ये वैक्टर क्या है तो बी वैक्टर है। हम बोलेंगे अगर दोनों पैरेलल हैं, अभी आपने सीखा कि आर वैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस ए वैक्टर प्लस आर लैमडा इन टू बी वैक्टर, ये पढ़ा आपने। आर वैक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, लिख सकते हैं वेक्टर को इस तरीके से लिखा जाता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखा आपने ए के जगह पे, ये वाला जो गिवन पॉइंट है उसको एक्स वन वाई वन जेड वन बोल दिया हमने, और ये जो जिसके पैरेलल है ना उसको हम बोल रहे हैं ए वन, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। उसके बाद क्या हो गया, आपने बोला कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखना, एक्स वन प्लस ए, यहाँ पे लैम्डा लगा हुआ है ना, हाँ, तो हम बोलेंगे ए वन लैम्डा इज इक्वल टू आई प्लस वाई वन प्लस ए टू लैम्डा जे प्लस, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो जेड वन और यहाँ का, तो क्या आ जाएगा जेड वन प्लस लैम्डा इन टू ए थ्री, क्या हो गया लैम्डा ए थ्री, और यहाँ पे क्या आ गया के। अगर दोनों वैक्टर इक्वल है बेटा तो आई का कंपोनेंट आई के साथ इक्वल होगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस ए वन लैम्डा, सिमिलरली वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस ए टू लैमडा, और यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू हो जाएगा जेड वन प्लस लैमडा या a लैमडा थ्री, ए थ्री लैमडा। अच्छा ये बात समझ में आ रही है, क्या आप यहाँ से लैमडा निकाल सकते हो, लैमडा इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन आएगा, यहाँ पे लैमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन ए टू, यहाँ पे लैमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा z माइनस जेड वन अपॉन ए थ्री आ जाएगा, तीनों लैम्डा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इससे हमको क्या समझ में आया कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन ए थ्री। ये ए वन ए टू ए थ्री क्या है, ये ए वन ए टू ए थ्री है डायरेक्शन, देखो ए वन ए टू ए थ्री ये क्या है, ये है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर, जिसके पैरेलल था ना उसके हैं, और ये x1, y1 और z1 क्या है, हम बोलेंगे ये है डायरेक्शन रेशियो ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर थ्रू विच लाइन इज पासिंग, लाइन इज पासिंग, ओके। तो बात हम लोग को समझ में आ गई, चलो यहां खड़ा होकर आराम से बोलता हूं, क्या बात समझ में आई कि जो पैरेलल है वो कहां है, जो पैरेलल है वो है ए वन ए टू ए थ्री वाला पार्ट, जिस पॉइंट से गुजर रहा है वो कहाँ है, यहाँ पे एक्स वन वाई वन और एक्स वन वाई वन और जेड वन, ये क्या है एक्स वाई जेड इक्वेशन है, इक्वेशन में एक्स वाई जेड अननोन होते हैं, वही है। चलिए याद जल्दी से कॉपी कर लीजिए, चलो आओ अब आपको सवाल करवाते हैं। एक सवाल है क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है कि मान लीजिए ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन 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 एंड पैरेलल टू अ लाइन वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, ऐसे कुछ भी दे दिया हमने, बोलता है कि चलो ऐसा करके बताइए। आपको पता है कि आपको लिखना है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इन टू b वेक्टर, यही लिखते हो ना। अब आप क्या बोलेंगे कि भाई ठीक है बताते हैं, तो r वेक्टर क्या होगा, तो हम बोलेंगे r वेक्टर मतलब जो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर है उसकी बात चल रही है, a वेक्टर मतलब क्या हो गया, जहां से वो गुजर रहा है, कहां से गुजर रहा है, वन 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 से, मतलब i J और K से, प्लस लैम्डा इन टू जिसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, हो गया, बस यही आपका इक्वेशन है। तो हम क्या बोलेंगे कि बस हो गया, इतना लिख के छोड़ दो। अब अगर हमको इसी को बोलता है कि कार्टिजन फॉर्म में लिख के बता दीजिए, तो कार्टिजन फॉर्म का तरीका क्या है, याद है आपको,
आपने बोला था x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन a2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन a3। x x1 x2 x1 y1 और z1 क्या है जहां से वो गुजर रहा है, तो हम बोलेंगे x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 3 z माइनस z1 अपॉन क्या 4। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, क्या हम इसको देख के ऐसा ला सकते हैं या फिर इसको देख के ऐसा ला सकते हैं? वेक्टर इक्वेशन को देख के कार्टिजन ला सकते हो या फिर कार्टिजन को देख के वेक्टर ला सकते हो? बड़ा आसान है। देखो मैं बोल रहा हूं कि पहले हम क्या कर लेंगे, मान लो हम ऐसे नहीं करते, हम इसी को देख के लाना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे देखो आर वेक्टर मतलब क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू क्या हो गया ये वाला आई प्लस जे प्लस के, और साथ में क्या है बेटा, साथ में है लैम्डा टू आई थ्री जे और फोर के। बस यहां से देख लो, यहां से क्या आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू वन प्लस टू लैम्डा, वन प्लस टू लैम्डा, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या आता है, y इज इक्वल टू बोलेंगे वन प्लस थ्री लैम्डा। z इज इक्वल टू क्या आता है, तो हम बोलेंगे z इज इक्वल टू आता है वन प्लस फोर लैम्डा। क्या आप यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो? हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, इतना आएगा। अगेन यहां पे लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, y माइनस वन अपॉन थ्री आएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू z माइनस वन अपॉन फोर। अगर ये सब इक्वल है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस वन इज इक्वल टू y माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू z माइनस वन अपॉन फोर। क्या ये इक्वेशन यही है? देखो तो दिख रहा है। तो अगर आपको वेक्टर इक्वेशन पता है तो आप कार्टिजन में जा सकते हो, कार्टिजन मतलब ये फॉर्म, और आपको कार्टिजियन फॉर्म पता है तो आप वेक्टर फॉर्म में जा सकते हो। क्लियर है ये बात, जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। देखो अगला सवाल अपने पास क्या है, बोलता है कि फाइंड द लाइन इन कार्टिजियन फॉर्म विच पासिस थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। उसके बाद बोला है कि फाइंड इट्स वेक्टर फॉर्म ऑल्सो, वेक्टर फॉर्म ऑल्सो, वेक्टर फॉर्म में भी लाके बतानी है, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं, पहले कार्टिजियन फॉर्म में बोला है तो लिख लो, क्या बोलते हैं x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू x माइनस y माइनस y1 अपॉन a2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन a3। यही लिखते हो, x1 क्या है जहां से वो गुजर रहा है, तो हम बोलेंगे x माइनस 1 अपॉन क्या 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 z माइनस 3 अपॉन क्या है अपॉन टू इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा। पहले तो ये फॉर्म आ गया आपका, ठीक है, पहले ये पार्ट अपना फर्स्ट पार्ट कार्टिजियन फॉर्म में लिख लिया हमने। सेकंड बोलता है कि वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, एक काम करते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। हमने बोला कि मान लीजिए दिस इज इक्वल टू लैम्डा, तो बताइए एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आएगा वन लैम्डा प्लस वन, लैम्डा प्लस वन। क्या किया समझ में आ रहा है, इसको इसके साथ इक्वेट किया। दूसरा बता दीजिए वाई के बारे में, तो वाई इज इक्वल टू टू लैम्डा प्लस टू, जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे टू लैम्डा प्लस थ्री। अगर आपको एक्स वाई जेड मिल गया तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर दो, तो क्या करोगे ऐड करोगे, तो हमने बोला कि देखो ऐड कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू मतलब लैम्डा प्लस वन के साथ क्या आई, फिर क्या लिखेंगे आप टू लैम्डा प्लस टू के साथ क्या j, और अगली बार 2 लैम्डा प्लस 3 के साथ k, यही लिखेंगे। चलो अब इधर लिखते हैं, हम लोग बोलेंगे कि ये जो x i y j z k है इसको क्या आप r वेक्टर बोलते हो, हाँ जी। अब हम क्या चाहते हैं कि चीजें अलग रहे, लैम्डा वाला बात अलग रहे, तो हम बोलेंगे ऐसे लिख सकते हैं कि i प्लस प्लस क्या हो गया देखो प्लस जे किसके किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, टू लैम्डा, अभी लैम्डा की बात नहीं करनी, तो टू जे, तो हम लिखेंगे टू जे प्लस प्लस क्या आ गया, तो हम बोलेंगे यहां पे टू के प्लस। अब क्या करोगे लैम्डा वाली बात को एक साथ लिखो, तो हम बोलेंगे यहां पे लैम्डा कॉमन ले लिया, यहां पे आ गया आई, यहां पे क्या आ जाएगा देखो लैम्डा टू लैम्डा जे था तो लैम्डा कॉमन तो टू जे, यहां पे आ गया टू लैम्डा के, लैम्डा कॉमन तो क्या आ गया टू के। ये क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। तो कार्टिजियन फॉर्म में हमने लाया और वेक्टर फॉर्म में हम रिड्यूस कर लिए।
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पहले वेक्टर फॉर्म में लाओ बाद में रिड्यूस करो, वो तो सिखा ही दिया है मैंने लास्ट क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, चलिए कॉपी कीजिए। अब देखिए हमारे पास है थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 क्या बोलता है कि इफ अ वेक्टर पासेज थ्रू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए वेक्टर। बात समझ में आ गई क्या है ये? तो बोलता है कि अगर जैसे मैं बोलूं कि दो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, दो पॉइंट से एक लाइन गुजर रहा है, इसका पोजिशन वैक्टर क्या है बेटा, ए वैक्टर, इसका पोजिशन वैक्टर बी वैक्टर, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा इंटू बी माइनस ए वैक्टर। ठीक है, इस बात को अपने को प्रूफ करनी है, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, समझना। मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो हमने पढ़ रखा है वो है आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा इंटू बी वैक्टर। यार ये क्या था, ये था कि ए से गुजरने वाला और बी के पैरेलल, क्या था, ए से गुजरने वाला और बी के पैरेलल। इसमें क्या कहानी है कि r वेक्टर इज इक्वल टू होगा a वेक्टर जिससे कि वो पास हो रहा है और b वेक्टर क्या है जिसके वो पैरेलल है। बेटा यहाँ पे तो पैरेलल नहीं दिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा ये लाइन खुद के पैरेलल है, मतलब किसके पैरेलल है, b माइनस a के पैरेलल है। तो मैं बोलूँ b के जगह पे हम क्या बोलेंगे, a वेक्टर प्लस a से गुजर रहा है इसलिए a वेक्टर प्लस किसके पैरेलल है बेटा, ये b माइनस a वेक्टर के, b वेक्टर माइनस a वेक्टर के। क्या आपको यही इक्वेशन प्रूफ करना था? बिल्कुल यही प्रूफ करना था। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने उसका मतलब लिख दिया और ये बात क्या हो गई, प्रूफ हो गई। क्लियर है ये चीज? अब अगर आपसे कोई बोल दे कि इसी काम को कार्टेशियन फॉर्म बता दो, मान लो यहां पे हमारे पास थ्योरम नंबर 4 आ जाए, बोले कि एक हमको कार्टेशियन फॉर्म, सेम कंडीशन है, एक लाइन है जो दो पॉइंट से गुजर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट है A1i, A2j और A3k, इससे और मान लीजिए B वाला जो वेक्टर है, B वेक्टर को हम बोल रहे हैं B1i, या B लिख दो, A1 वगैरह हटा दो यहाँ से, ठीक है, या ऐसे कर लें, हम लोग लास्ट टाइम क्या अजम्पशंस लिए थे कि भाई जो गिवन पॉइंट होता है उसको हम X1 ऐसे बोल देते हैं, X1, Y1 और Z1 बोल देते हैं, सबके साथ I वगैरह लगा दीजिएगा। यहां पे है X2, Y2 और Z2, ये दोनों पॉइंट से गुजर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, इसका इक्वेशन होता है कि X माइनस जिससे वो गुजर रहा है, मान लीजिए ये इससे गुजर रहा है, X1 अपॉन जिसके वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, X2 माइनस X1 के, X2 माइनस X1 इज इक्वल टू नाउ Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 और इज इक्वल टू लैम्डा बोल देते थे। खैर ये अपना क्या हो गया, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। तो दोनों तरीके आपको समझ में आ गई। अब आपको ढेर सारे सवाल करने हैं, ठीक है, इस पे हमने जो 4 थ्योरम पढ़ा है इस पे सब पे मिला के हम लोग एक बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले आप यहां तक कॉपी कर लो, क्वेश्चन बुक से ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोलता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू, कहां से गुजारेगा, देखो थ्रू क्या है? बोलता है 3, 4 and -7 और एक चीज दिया हुआ है कि 1, -1 and 6। फिर क्या बोलता है, फाइंड ऑल्सो इट्स कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख के बोला है। याद करो कौन सा थ्योरम यूज करना चाहोगे आप, थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4। एक छोटा डायग्राम जैसा बना लेते हैं, समझने में आसानी होगी। बोलता है कहां से गुजर रहा है, 3, 4 और -7 से, और एक कहां से गुजर रहा है, मान लीजिए यहां पे दिस इज 1, -1 एंड 6 से। तो मैं बोलूंगा कि r वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, r वेक्टर इज इक्वल टू ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कि a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू जिसके वो पैरेलल है, मतलब खुद के पैरेलल है, खुद के पैरेलल मतलब क्या बोलोगे आप, b माइनस a वेक्टर, यही था इक्वेशन। अब आप लिख दीजिए यहां पे, तो हम बोलेंगे r वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j
माइनस सेवन के प्लस लैम्डा इन टू क्या बोलेंगे बी माइनस ए मतलब वन माइनस थ्री क्या होता है माइनस टू आई माइनस वन और माइनस फोर कितना आ जाएगा माइनस फाइव आई जे और देखते हैं सिक्स माइनस माइनस सेवन सिक्स माइनस माइनस सेवन मतलब सिक्स प्लस सेवन कितना आ जाएगा थर्टीन के। तो बेटा ये क्या आ गया ये आ गया अपना वेक्टर फॉर्म। अब आपसे क्या पूछा था इसका कार्टेशियन फॉर्म भी बता दीजिए तो कार्टेशियन फॉर्म आपको याद हो गया होगा x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। वैल्यू पुट करनी है फटाफट कर दीजिए x माइनस एक्स वन किसको बोल रहे हो आप थ्री और यहां पे क्या बोलेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब वन माइनस थ्री कितना होता है माइनस टू दिस इज इक्वल टू अगेन y माइनस वाई वन कितना है बेटा फोर और नीचे क्या लिखोगे नीचे लिखोगे माइनस वन माइनस फोर कितना आता है माइनस फाइव और यहां पे क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा z माइनस 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 सेवन मतलब प्लस सेवन और यहां पे आ गया थर्टीन। तो ये क्या हो गया बेटा ये हो गया अपना कार्टेशियन फॉर्म। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं ज्यादा नीचे लिख लिया क्या अच्छा चलो एडिटिंग में अपन एडजस्ट कर लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ एक बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं देखो सीबीएसई 2000 में पूछा हुआ है 2010 में पूछा हुआ है चलो क्या बोलता है कि फाइंड द पॉइंट्स 4 5 एंड 10 क्या बोलता है क्वेश्चन लिख दूं द पॉइंट्स 4 5 10 और क्या दिया हुआ है बी पॉइंट है जिसका नाम है 2 3 4 एंड सी पॉइंट है जो है 1 2 एंड माइनस 1 आर थ्री वर्टाइसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम तीन वर्टाइसेज दिए हुए थे पैरेललोग्राम के ठीक है चलो ये रहा बेटा ए तो हम बोलेंगे ये है ए ये है बी ये है सी और ये है डी हमको ए बी सी दिया हुआ है डी नहीं पता है बोलता फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड ए बी वेक्टर एंड बी सी वैक्टर और क्या बोलता है फाइंड कोऑर्डिनेट फाइंड डी डी कोऑर्डिनेट ठीक है डी वैक्टर। क्वेश्चन समझ में आ गया देखो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और पैरेललोग्राम के तीन वर्टाइसेज हमको दिए हुए हैं ए बी सी दिया हुआ है डी नहीं पता है आपको बोलता है कि पहले आप बता दो ए बी क्या होगा तो ए बी वैक्टर आप बता दीजिएगा फिर आपको बी सी बतानी है बी सी भी बता सकते हैं हम लोग फिर बोलता है कि आप डी भी बता देना चलो स्टार्ट कर हम बोलेंगे बेटा ए बी के लिए ठीक है ए बी दिख रहा है आपको ये पॉइंट कोऑर्डिनेट लिख दूं यहां पे 4 5 10 बी कितना है 2 3 4 सी कितना है 1 2 एंड माइनस 1 ठीक है सॉल्व कर पाओगे बताओ ए बी मुश्किल तो नहीं है हाँ चलो ए बी के लिए हम बोलेंगे आर वेक्टर किसके लिए निकाल रहे हैं ए बी के लिए तो हम बोलेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा जिससे वो गुजर रहे हैं मतलब हो जाएगा 4 आई प्लस 5 जे प्लस प्लस क्या है 10 के यहां पे आ गया लैम्डा इनटू माइनस करना है बी माइनस ए मतलब 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा माइनस 2 आई 3 माइनस 5 माइनस 2 जे 4 माइनस 10 माइनस 6 के क्या आ गया ये आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस पार्ट। अब आपसे क्या पूछा था इसका कार्टेशियन फॉर्म भी लिखना चाहेंगे आप तो हम बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म इसका क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म याद हो गया होगा अभी तक क्या बोलते हैं x माइनस फोर डिवाइडेड बाई माइनस टू कैसे किया तो बोलते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन यहां पे x2 माइनस एक्स वन मैंने यहां पे किया हुआ है तो मैं यहीं से देख के लिख देता हूं यहां बोलेंगे y माइनस फाइव अपॉन अपॉन माइनस टू फिर बोलेंगे z माइनस टेन अपॉन माइनस सिक्स ये हो गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। ये किसकी कहानी चल रही थी ए बी की कहानी चल रही थी क्या आप बी सी की कहानी इसी तरीके से कर लेंगे आपको सब कुछ दिया हुआ है देखो दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बाकी हर चीज दिया हुआ है लास्ट कहानी है बेटा कि डी कैसे मिलेगा मुझे बताइए क्या आप इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो कितना हो जाएगा मिड पॉइंट का तरीका याद है 4 प्लस 1 5 तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन 2 5 प्लस 2 7 अपॉन 2 10 माइनस 1 क्या होता है 9 तो 9 अपॉन 2 ये मिड पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा ये इसका भी मिड पॉइंट है इसका भी मिड पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मिड पॉइंट दिया हुआ है क्या आप एक्सट्रीम पॉइंट निकाल सकते हो डी की वैल्यू यहां करके सॉल्व करके बताऊं थोड़ा सा यहां पे जगह बनाते हैं चलो
हम बोलेंगे कि मिड पॉइंट क्या है, 5/2, मान लो ये नहीं पता तो एक्स वाई जेड बोल देना। मिड पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट का सम डिवाइडेड बाई टू, एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, टू टू कट गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। y भी मिल जाएगा, आप बोलोगे कि 7/2 इज इक्वल टू y plus 3/2, टू टू कैंसल, नाउ y इज इक्वल टू कितना 4, x मिल गया, y मिल गया, z भी मिल जाएगा, z कितना हो जाएगा यहां पे है 9/2 इज इक्वल टू z plus 4/2, टू टू कैंसल, सो z इज इक्वल टू 5। सो आपको जो d के कोऑर्डिनेट मिले हैं वो कैसा है, x की वैल्यू है 3, 4 एंड 5। बोलो क्लियर है ये बात आपको, हर चीज यहां पे हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट करके बता दिया, कंफ्यूज मत हो जाए, इतना बड़ा नहीं है सवाल ये रहा। क्या हो गया ये सवाल, तो समझ में आ गई कैसे कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बोलता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट, मतलब एक लाइन है जो कहां से गुजर रहा है, थ्रू अ पॉइंट 2i-j+k से गुजर रहा है, ओके okay. और क्या बोलता है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू कहां से, तो बोलता है -1 या -i+4j+k, और एक चीज दिया हुआ है कहां से गुजर रहा है, यहां से भी गुजर रहा है, मतलब i+2j+2k, ठीक है भाई समझ में आ गया हमको। तो एक काम करते हैं कि हमको पता चल गया कि ये किसके पैरेलल है, मान लीजिए इसको हम बोलते हैं b वेक्टर, तो b वेक्टर कैसा आ जाएगा, हम बोलेंगे 1 -1 मतलब 2i, 2 -4 क्या आ जाएगा -2j, 2 - k क्या आ जाएगा k, मतलब b वेक्टर पता है आपको, जहां से वो गुजर रहा है वो पता है आपको, a वेक्टर पता है। क्या आप इक्वेशन निकाल सकते हो, हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल, r इज इक्वल टू क्या होता है, हम बोलेंगे a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर। a वेक्टर कितना है, a वेक्टर है ये, हम बोलेंगे 2i-j+k, और लैम्डा इंटू b कितना है, b है 2i-2j+k, ओके नाउ यही है अपना r वेक्टर। क्या आपसे यही पूछा था, हाँ जी। फिर आपसे पूछा है कि कार्टेशियन फॉर्म भी आप बता दीजिए, तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखते हैं, आप लिखते हो x-x1/a1 = y-y1/a2 =, या हाँ चलो ठीक है, y-y3/a3, ये a1 a2 a3 क्या है, ये है बेटा जिससे वो गुजर रहा है, मतलब जिसके वो पैरेलल है, जिसके वो पैरेलल था ना वो वाला पार्ट यहाँ पे है, और जहां से गुजर रहा है वो x1 है, तो बताइए क्या होगा, x-x1 कहां से गुजर रहा है, 2 से, दिख रहा है यहाँ पे 2 से गुजर रहा है, किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, मतलब नीचे क्या लिखना है 2। y माइनस कहां से गुजर रहा है, -1 से, तो -1 मतलब क्या हो गया, -1 मतलब +1 डिवाइडेड बाई अगेन -2, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे z होगा ना, सॉरी z माइनस क्या लिखेंगे, z1, हाँ, तो हम बोलेंगे कि z- कहां से गुजर रहा है, z वाला पार्ट 1, और किसके पैरेलल है, अगेन यहां पे 1। तो ये हो गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें कैसे हैं, जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसी समय आपको ये चीजें क्लियर करवाया था कि कौन चीज कहां लिखते हैं, ओके चलो आओ यहां तक कॉपी करो, चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है। नेक्स्ट सवाल कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर दिस दिस दिस, ठीक है ऐसा दिया हुआ है, फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब ध्यान से देखो, जो आपका कार्टेशियन फॉर्म लिखा होता था उसमें x अकेला होता था, यहां पे x बेटा किसके साथ है, देखो x किसके साथ है, 6 के साथ है, यहां पे किसके साथ है, बोलता है 3y+1 के साथ है, यहां पे किसके साथ है, तो हम बोलेंगे 2z-2 के साथ है। अगर ये सब इक्वल हैं तो अगर मैं कोई चीज से डिवाइड कर दूं तो भी ये इक्वल ही रहेंगे, तो एक काम करते हैं हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं, सबको 6 से डिवाइड कर सकते हैं, कर दिया। अब क्या आ जाएगा, देखो अब आ जाएगा यहां पे कितना आ जाएगा, देखो मैं बोल रहा हूं यहां पे आ जाएगा x-1/3, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा y/2 - +1/6 आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा कितना, तो आप बोलोगे z/3 - 1/3, ऐसा आ रहा है। हम बोलेंगे बेटा हमको हर जगह क्या चाहिए, y अकेला चाहिए, हम बोलेंगे x-1/3/1 लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं y, हाँ जी
तो एक काम करो 1 by 2 common ले ले है ना ठीक है इसको देखो क्या लिखना चाहता हूं मैं पहले बोलूंगा कि एक काम करते हैं हम ये 2 को सरकार के नीचे ले आते हैं ठीक है 2 ऐसा आ गया यहां क्या दिखेगा y और यहां क्या दिखेगा बेटा यहां पे दिखेगा 1 by 3 अब मैं इसको लिखना चाहता हूं माइनस माइनस 1 by 3 क्योंकि हमको बीच में माइनस चाहिए था अच्छा यहां पे क्या बोलेंगे यहां बोलेंगे z माइनस 1 अपॉन 3 बोल सकते हो ऐसा अच्छा अगर आप ऐसा बोल पाओगे ना तो ये क्या हो गया कि ये हो गया इसका कौन सा फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म कौन सा फॉर्म आ गया कार्टेशियन फॉर्म अब आपसे क्या पूछता है कि आप ना डायरेक्शन रेशियो बताओ तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है बेटा वो कहां पे होता है ये होता है ये वाला मतलब 1, 2, 3 ये हो गया क्या इसका डायरेक्शन रेशियो अब आपसे पूछता है कि वेक्टर इक्वेशन बता दीजिए तो हम बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन ऐसे लिखते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू जहां से वो पास होता है मतलब ये वाला मतलब 1/3 i यहां पे क्या आ गया -1/3 j यहां पे क्या आ गया माइनस नहीं प्लस यहां पे साइन बदल के लिखना है आपको ठीक है k प्लस लैम्डा इनटू जहां से वो पास हो रहा है मतलब i प्लस 2j प्लस 3k ठीक है तो ये हो गया r वेक्टर और ये कौन सा वेक्टर है मतलब ये कौन सा पार्ट है ये है अपना वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ठीक है लाइन का वेक्टर इक्वेशन ये कौन सा हो गया कार्टेशियन फॉर्म बीच में आपसे पूछा था डायरेक्शन रेशियो कौन सा है ध्यान रखिएगा ये है डायरेक्शन रेशियो अगर मान लो इसी में पूछ लिया होता डायरेक्शन कोसाइन क्या है तो डायरेक्शन रेशियो अगर आपको पता है तो कोसाइन आपको निकालना आता है मान लो यहीं पे पूछ लिया होता फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन तो हम क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन कैसे मिलता है आपको मिलता है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ठीक है मतलब ये देखो ये a है ये b है ये c है तो हम बोलेंगे 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 3 9 और 1 10 और 14 रूट 14 सिमिलरली सेकेंड वाला क्या आ जाएगा 2 अपॉन रूट 14 फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन फिर इससे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर फिर सिमिलरली ये वाला c y वही सब चीजें ठीक है रूट के अंदर तो हम बोलेंगे अगला क्या हो जाएगा 3 अपॉन रूट ऑफ 14 3 था तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन सब कुछ फाइंड कर सकते हैं कॉपी कीजिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है बोलता है कि फाइंड द पॉइंट्स नहीं बोलता है इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है मैं आपको टेक्निक बताऊं कैसे करना देखो अच्छा पूरा भी सॉल्व कर दूंगा ठीक है ओके तो हम क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी पॉइंट है अब क्या करो ना ए और बी से एक लाइन निकाल लो लाइन का इक्वेशन ले लो ठीक है कोई भी ले सकते हो कार्टेशियन ले सकते हो वेक्टर ले सकते हो कोई भी चलेगा ले लिया आपने ये चीज अब आप क्या करना उसी में वही लाइन के इक्वेशन में ये सी का पॉइंट वहां पे पुट कर देना सी का पॉइंट पुट करोगे तो लैम्डा आपको मिल जाएगा स्टार्ट करते हैं हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का इक्वेशन अपन निकाल रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या होगा ए बी का कोऑर्डिनेट वगैरह दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -1, 3, 2 यहां पे क्या दिया हुआ है -4, 2 एंड -2 यहां पे क्या दिया है 5, 5 एंड लैम्डा तो एक काम करते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे ठीक है ऐसे ही मन कर रहा है आपका मन है वेक्टर फॉर्म में लिखने का आप लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता कार्टेशियन फॉर्म में मैं लिख रहा हूं तो हम बोलेंगे दो पॉइंट को यूज करके कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनता है आपका बनता है x-x1 अपॉन x2-x1 याद आया कुछ y-y1 अपॉन y2-y1 इज इक्वल टू z-z1 अपॉन z2-z1 सॉल्व कर रहे हो ना हमारे साथ देखो मैथ है ये मैथ में अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज हो गया ना आपको मजा नहीं आएगा आपको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखिए हमारे साथ क्वेश्चन बड़े रहेंगे समय लगेगा 1 मिनट 2 मिनट सॉल्व करने में समय लगेगा अगर आप बीच में लूज कर दोगे तो बड़ी मुश्किल है कि हमारे साथ बने रहना 40 मिनट तक 30 मिनट तक जितना लेंथ भी होगा वीडियो का तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने हुए रहेंगे ठीक है और चीज़ों को समझते चलोगे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो बुक साथ में रख लो बुक साथ में रख के सॉल्व करो ये क्वेश्चंस वैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ आरडी शर्मा आप चाहो तो वहाँ पे भी देख सकते हो वहाँ पे भी समझ सकते हो हमारे साथ वीडियो में देखोगे तो मैं आपको बोल बोल के समझाते रहूँगा ओके चलो स्टार्ट करते हैं ना प्रवचन बंद तो यहाँ पे आ गया x-x1 कितना है बेटा -1 तो हम बोलेंगे -1 जो कि होता है +1 अगला है नीचे क्या लिखना है x2-x1 मतलब -4 -1 तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा यहाँ पे y-3 / 2-3 क्या होता है 2-3 -1 और यहाँ पे क्या आ गया z-2 ये 2 है ठीक है 2 और z ना डिजाइन मेरा एक ही जैसा दिखता है ये z है ये 2 है अच्छा यहाँ पे है -2 -2 मतलब -4
ये आ गया अपना क्या, ये आ गया AB लाइन का इक्वेशन, ये है इक्वेशन AB का। अब अगर C भी इसी लाइन पे है, इसका मतलब XYZ के जगह पे ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। तो हम बोलेंगे कि सिंस C इज ऑन द लाइन, ऑन द लाइन AB, AB पे ही कहीं पे C है, AB मतलब लाइन है, लाइन मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, तो उसी पे कहीं पे क्या है, C भी है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे पुट कर देते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू, C का कोऑर्डिनेट। तो क्या आ जाएगा, C के जगह पे मतलब X के जगह पे क्या पुट करूँ, 5। तो हम बोलेंगे 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन y माइनस 3, y के जगह पे क्या पुट करूँ, 5, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 1। अच्छा, अगली बार क्या पुट करना है बेटा, अगली बार पुट करना है लैम्डा, तो हम बोलेंगे लैम्डा माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 4। अब आप देख लो कैसा आता है, इसको सॉल्व अगर किया आपने तो 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइडेड बाई माइनस 3 क्या आएगा, माइनस 2। यहाँ पे आता है 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 जो कि है माइनस 2, यहाँ पे भी माइनस 2 आना चाहिए। तो हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस 2 अपॉन माइनस 4। अब आप इन दोनों को ना सेपरेटली सॉल्व कर लो, ठीक है, कितना आ जाएगा देखो, तो 4 2 जाए 8, 8 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2, सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, कितनी आ गई लैम्डा की वैल्यू 10। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन दिया हुआ है अपने को एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम द पॉइंट दिस। डायग्राम बना के समझाता हूं, मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन पे इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या है, तो बोलता है 1 2 3, ये पॉइंट से कितनी दूरी पे, बोलता है 3√2 दूरी पे एक और पॉइंट है, इस पॉइंट को आप हमको ढूंढ के बताइए। अच्छा, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ठीक है, इधर भी हो सकता है ना, ये दूरी 3√2 इधर भी हो सकता है, और इस लाइन का इक्वेशन अपने को दिया हुआ है ये चीज। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए, पहले एक की बात करूंगा फिर दोनों आ जाएगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मान लो ये कोऑर्डिनेट है अपना एक्स वाई और जेड, कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड, तो आप बोलोगे ठीक है सर सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिलहाल एक ही पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप बोलोगे कि कैसे होगा कैसे होगा। तो हम एक काम करेंगे कि हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास दिया हुआ है कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बोल देना लैम्डा है। क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2, देख लो ये वाला और ये वाले को इक्वेट करो। अच्छा, सिमिलरली y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है, ये एक्स वाई जेड कौन है, ये वाले हैं, ओके, यहां तक बात समझ में आती है। अब हम बोलेंगे कि बेटा ये पॉइंट और ये पॉइंट की दूरी हमको पता है कितनी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट की दूरी कितनी है, इतनी। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हम बोलेंगे x माइनस 1, x कितना है, तो हम बोलेंगे 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, समझ रहे हो ना, y माइनस 2, y मतलब कौन आ गया 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा, हम बोलेंगे z माइनस 3, z कितना है बेटा 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 3√2 का स्क्वायर, यही करने वाले हो। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, एक लाइन यहां लिखता हूं फिर उधर लिखते हैं, तो यहां आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, ये दोनों कट गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 या 9, 9 टू जाए 18 आ रहा है। क्या आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, एक ही अननोन है, एक इक्वेशन है, हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ। तो हम बोलेंगे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 3 या 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 या 9 टू जाए 18 लैम्डा प्लस 2 जाए 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 6 2 12 लैम्डा और उसके बाद आ जाएगा 2 2 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 18 है। आप यहां से कैलकुलेट करना चाहते हैं, 4 4 8 होता है, 8 और 9 क्या होता है 17 होता है, 17 लैम्डा स्क्वायर। आप इसकी बात कर लीजिए लैम्डा वाले की, तो यहां पे है माइनस 18, यहां पे है माइनस 12, कितना आ जाएगा माइनस 30 लैम्डा, ओके 9 और 9 18 और 18 और 18 कैंसिल, मतलब दिस इज 0। क्या आप यहां से लैम्डा कॉमन ले सकते हो, तो एक आ जाएगा 17 लैम्डा माइनस 30 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, सुनाओ, या तो लैम्डा क्या है, जीरो है, और लैम्डा कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू 30/17 है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक नहीं है तो ये लैम्डा की वैल्यू आ रही है। अब अगर आपको लैम्डा मिल गया तो क्या आप एक्स वाई जेड निकाल सकते हो? देखो ये वाला था एक्स वाई जेड, हम बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले आप लैम्डा की वैल्यू जीरो पुट करना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा -1, और जेड कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा 3। अगर आप लैम्डा की वैल्यू ये वाला पुट करोगे वहां पे जाके, तो एक्स इज इक्वल टू क्या था, 3λ-2, मतलब यहां पे आ जाएगा 90/17 -2, बाकी चीजें आप कैलकुलेट कर लोगे, एक्स मिल जाएगा यहां से, वाई मिल जाएगा, और जेड भी मिल जाएगा, ठीक है। टू नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, ये आपको कैलकुलेट करना है। केयरफुली लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एंड बाकी चीजें कैलकुलेट कीजिए। आपसे यही पूछा था, आपसे पॉइंट पूछा था। अच्छा, दो पॉइंट क्यों आया है, दो पॉइंट इसलिए आया है बेटा क्योंकि एक यहां हो सकता है और एक पीछे में हो सकता है कहीं पर। तो हमने बात किया था दो पॉइंट की, हमने डायग्राम में दिखाया है एक पॉइंट, बट आपका कैलकुलेशन खुद जो है ना वो आपको दो पॉइंट दे देगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो आज का लेक्चर अपना यहीं तक है, हमने सारे क्वेश्चंस ले लिए, हर टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने ले लिया है। अब आपको क्या करने हैं, इसी टॉपिक पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने हैं, कुछ अच्छे सवाल आपको सॉल्व करने हैं, और फिर ये पार्ट अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे और हम लोग वहाँ पे और आगे की बात करेंगे इससे। थैंक यू।